हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी जेई 2019 के बारे में कुछ बातें करूँगा, ठीक है। अगर आपको जेई के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको बता दूँ जेई का मतलब है जूनियर इंजीनियर। एसएससी जो है वो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जेई के लिए, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए। तो इसके लिए जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। ये तीनों ब्रांचेस एलिजिबल हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैं क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एसएससी जे 2019 की बात करूँ तो अभी टाइम है इसमें 4 से 5 मंथ का, कम से कम टाइम मानकर चलो कि अभी है इतना, तो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि सारी प्रिपरेशन जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं सारे 19 टॉपिक्स पर वीडियोस कवर करूँ, उसी से रिलेटेड कंटेंट मैं अपने चैनल पर डालता रहूँ। तो इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ब्रीफ में बता दूँ तो एसएससी जो जेई 2019 की बात करूँ तो जहाँ तक माना जा रहा है, वहाँ तक ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म निकल जाएंगे इसके, और दिसंबर या जनवरी के मंथ में इसका एग्ज़ाम होना है। दो पेपर होते हैं इसके, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन की बात करें तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें क्या रहेगा, एक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के ऊपर 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के ऊपर 50 क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ जनरल इंजीनियरिंग जिसमें आपकी कोर ब्रांच हो सकती है मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट अगर जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन की बात करूँ, और जनरल रीजनिंग और अवेयरनेस के क्वेश्चन 50 50 क्वेश्चन होते हैं, इनकी बात करूँ सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो मैं आपको सभी चीज़ें कवर करवाऊंगा, सिलेबस में जितनी भी चीज़ें होंगी एसएससी जेई की वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जनरल अवेयरनेस के भी, रीजनिंग के भी और इंजीनियरिंग के भी। इंजीनियरिंग की बात करूँ सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रीम के जो टॉपिक्स होंगे वही कवर करवाऊंगा, क्योंकि मेरी खुद मैकेनिकल ब्रांच रही है। तो बाकी रीजनिंग की बात करूँ, अवेयरनेस की बात करूँ, सबके लिए कॉमन है, उसके लिए सब वो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं हम पहले वही कवर करेंगे, बाकी जो चीज़ें वो बाद में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा एसएससी जेई 2019 की तरफ। तो पेपर वन था तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो सिर्फ होगा एमसीक्यू वगैरह होंगे, तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और रॉन्ग अगर आप सेलेक्ट करोगे तो 1/4 की पेनल्टी होगी, शायद इस तरह की पेनल्टी रहती है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो फिर पेपर टू, अगर आप पेपर वन क्वालिफाई कर जाओगे तो पेपर टू के लिए एलिजिबल रहोगे। पेपर टू में आपको पेन दे दिया जाएगा, शीट दे दी जाएगी, और आपको वहाँ पर लिखना होगा, कन्वेंशनल टाइप का पेपर होगा, वो आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड होगा, ठीक है। बट पेपर वन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। पेपर वन अगर मान लो आपका जनवरी में होता तो पेपर टू आपका मार्च या अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, 2 मंथ का कम से कम आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पेपर वन की तैयारी करते हैं। पेपर वन में वो हमारा वही आई रीजनिंग अवेयरनेस और मैकेनिकल ब्रांच हम वो तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको बता दूँ फ़ी वगैरह की अगर बात करें तो फीस की 100 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, लड़कियों के लिए, या फिर कैटेगरी जो एक्स सर्विस मैन हो गए, या फिर कह लो कि जो रिजर्व कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री का फॉर्म है, तो आप भर सकते हो ईजिली। शायद सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये है कि अगर मुझे 10 से 15 कमेंट्स ऐसे आ जाएंगे कि हाँ तैयारी करनी चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, तो जैसे ही 10 से 15 कमेंट्स मुझे इस तरह के आएंगे तो मैं आपको पहली वीडियो बनाऊंगा इस पर एसएससी जेई की, जिसमें सारी डिटेल्स बताऊंगा, कौन सी पोस्ट रहती है, क्या एज है, कितनी सैलरी होती है, वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बताने के बाद मैं टॉपिक्स की तरफ जाऊँगा, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी बात रही इसमें एसएससी जेई से और रिलेटेड बातें, बाकी जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें हम वो जो वीडियो होगी एसएससी जेई के बेसिक चीज़ें उसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा, और एक वीडियो में आपको सिलेबस बताऊँगा कि सिलेबस क्या है एसएससी जेई का, मैकेनिकल का पूरा सिलेबस बताऊँगा आपको, फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स हैं और जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं वो सारे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डेज़ में हम टॉपिक्स कवर क्या करेंगे, एक दिन हम अवेयरनेस का टॉपिक लेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, और फिर उसको कवर करने के बाद अपने कोर सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं होता इसका एसएससी जेई का, वैसे तो पेपर कोई भी टफ नहीं होता, अगर आप मानोगे तो टफ है तो मानोगे तो ईजी भी है। तो इसमें पेपर वन जो ईजी रहता है, एमसीक्यू रहते हैं, ज़्यादा नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आप इजीली क्लियर कर सकते हो। बट इसमें रहता ही है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो पेपर फॉर्म भरते हैं, अपियर होते हैं, तो उसके कारण थोड़ा कट ऑफ बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें बाकी सब इजी है, ठीक है। तो बाकी अगर आप कमेंट करके बताओगे कि वीडियो बनानी चाहिए इस पर, नहीं बनानी चाहिए, तो फिर वो उसके बाद ही स्टार्ट करूँगा। अगर 7 से 8 दिन तक मुझे 10 से 15 कमेंट्स आते हैं ऐसे कि हाँ इस पर वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो मैं स्टार्ट कर दूँगा, वरना 1-2 हफ्ते बाद मैं खुद से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, किसी भी कोई भी कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।